सो क्लास सेवेंथ का हमने 16 चैप्टर अबाउट अ प्रीसियस रिसोर्स हमने यहाँ तक फिनिश किया था 16.1 के ऊपर तक, और हमने कहा था कि 16.1 से हम कंटिन्यू करेंगे हाउ मच वाटर इज अवेलेबल इन आवर अर्थ। सो इस वीडियो में हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस, व्हाई डज इट अपीयर ब्लू? श्योरली यू कैन गेस। आप ये देख सकते हैं 16.4 वाला जो पिक्चर है उसमें अर्थ जो है वो ब्लू कलर क्यों दिख रहा है? फाइनली आप बता सकते हो, बताइए क्यों दिख रहा है? क्योंकि यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन्ड इन द सी एंड ocean, river, lake, ice caps and as groundwater and in the atmosphere. However, most of this water is not fit for human consumption. The water that is fit for use in fresh water. जैसे कि पानी जो है 71% हमारे अर्थ पे पाया जाता है, लेकिन सारा का सारा पानी जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं। वो भी 71% जो वाटर पाया जाता है रिवर में, लैक्स में, आइस कैप्स, ओशंस में, ग्राउंड वाटर में, ये सारी चीज़ें हमारे लिए डायरेक्टली यूज़ करने के लिए सूटेबल नहीं है। ये सूटेबल है फ्रेश वाटर बनाने के लिए, राइट? सो परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दिस सोर्सेज। सो यहाँ पे जो हम कुछ स्टेप्स देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप्स है, सेकंड फिगर एंड थर्ड रिमार्क। टेक अ मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट अप वाटर, इट कंटेन्स अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर। आपने एक बकेट लीजिए, बकेट में आपको पानी भरना है, और वो बकेट कितना लीटर कंटेन कर रहा है? 20 लीटर पानी कंटेन कर रहा है, आपने फिगर में देख सकते हैं। एंड एज्यूम डैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, और एज्यूम कीजिए कि सारा का सारा पानी किस पे है? धरती पे है। टेक अ टीस्पून ऑफ 5 ml कैपेसिटी एंड ट्रांसफर 100 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट टू अ स्मॉलर कंटेनर लाइक अ बाथ मग। अब आपको क्या करना है, एक मग लेना है और टीस्पून लेना है 5 ml वाला, और उसमें क्या करना है, 100 बार एक एक चम्मच करके डालना है। दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। और इससे आप इमेजिन ये कर सकते हैं कि ये जो धरती पे टोटल जो पानी है वो 20 लीटर है। एज्यूम करना है टोटल 71% है, राइट? 20 लीटर है, उसमें से हमें पीने के लिए पानी कितना मिलता है? एक मग में आप चम्मच से करके एक एक चम्मच 100 बार डालेंगे, उतना हमें पानी पूरे अर्थ पे सबको पीने के लिए मिलता है। From the bath mug, transfer 30 spoons of water to a glass tumbler. और मग में से क्या करना है, 30 स्पून आपको एक ग्लास में उसमें से निकाल निकाल के डालना है। This gives a measure usable water present as ग्राउंड वाटर। और ये पानी जो है, इतना सा पानी आपको ग्राउंड वाटर आपको मिलता है यूज़ करने के लिए। Finally, take out a quarter 1/4 spoonful of water from the mug. अब आपको क्या करना है, एक चौथाई, मतलब कि उसका एक चौथाई लेना है जो हमने थर्ड वाला प्रैक्टिकल किया, और मग का जो एक चौथाई है, it represent all the water present in the lakes and rivers of the world. और एक चौथाई जो मग का पानी है, एक हिस्सा वो आपको लैग और रिवर में मिल जाता है। The water left in the bucket represent the salinic water present in the scarce ocean partly as ग्राउंड वाटर। दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज। और बाकी आपको जो बकेट में आप पानी देख रहे हैं, ये सब क्या है, शॉल्ट वाटर, डैट मीन्स कि खारा पानी है, जो कि ग्राउंड वाटर में, ओशन सीस में पाया जाता है। हम डायरेक्टली ह्यूमन यूज के लिए ये पॉसिबल नहीं है। द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग रिप्रेजेंट द वाटर which is present in the frozen form in glacial ice caps and permanent shore, again not available readily.
जो पानी बच गया है बाथ मग में वो रिप्रेजेंट ये करता है कि जो आप आइस देखते हो ना ग्लेशियर्स लाइक फ्रोजन फ्रॉम इन आइस कैप्स जो होते हैं, जैसे जो कोई ठंडी जगह है राइट, वहाँ पे जो बर्फ़ के गोले होते हैं, ये इतना पानी जो बर्फ़ का गोला जो होता है वो कितने के बराबर है, ये जो आप देख रहे हो मग, मग इतने के बराबर आपके आइस के फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बूझो क्या बोलना चाहता है। बूझो वंडरेड अबाउट द एलिमिनरली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर यूज़। इसमें बूझो ये कहना चाहता है कि बहुत ही कम मात्रा में हमें पानी मिल रहा है यूज़ होने के लिए, करने के लिए। पहली क्विकली बोलती है, पहली क्विकली कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट दिस अमाउंट इज रफली 0.006% ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। अब सोचिए 71% वाटर में से आपको मात्र 0.006% सिर्फ पानी मिल रहा है धरती पे यूज करने के लिए। Appreciate the actual amount of water available for human use. Does the finding worry you? Discuss this in your classroom. अब आपको पता चल ही गया होगा कि actual amount of water कितना मिलता है human use के लिए। ये सारी चीज़ें आप क्लास में डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स से। हालांकि आप लोग डिस्कस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, मैं प्रेजेंट हूँ, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आप मुझसे आके पूछ लीजिए अगर कुछ भी चीज़ें पूछनी है, डिस्कस करनी है, या तो फिलहाल तो अभी आप अपने फैमिली से ही डिस्कस कीजिए जब तक स्कूल चालू नहीं होता है। ओके, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वाटर, राइट। तो ये फॉर्म्स ऑफ वाटर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज ये जो है थोड़ा सा लेंथी वीडियो बन सकता है। सो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि दिवाली तक तो फिलहाल स्कूल नहीं खुलने वाला है, आप सभी स्कूल में एक बार आ करके अपने अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा के जाइए कि आप नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहे हो। तो जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा रिजल्ट को लेके, जो भी बेनिफिट्स वगैरह होगा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो आके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो भूलिएगा नहीं, आके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। नेक्स्ट क्लास के लिए आपको आके प्रेजेंट करना होगा कि मेरा नाम लिखना है आगे क्लास में, और जो भी क्राइटेरिया है वो भी आपको कंप्लीट करनी होगी। सो नेक्स्ट 16.2 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। करोना है सो किसी को भी घर से बाहर नहीं जाना है, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।